गुड आफ्टरनून माई डियर स्टूडेंट, टूडे टू मई 2020 9th टॉपिक साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड कंटेंट्स एंड मैनी सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म क्या करता है? फ्लूइड कंटेंट्स जो है फ्लूइड कंटेंट्स करता है ऑफ मैनी सेल्स ऑर्गेनेल्स में। सेल ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन सेल। सेल का जैसे भी फंक्शन होगा उसी टाइप का उसका स्ट्रक्चर जो है होगा। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड सीड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लार्ज नेटवर्क होता है किसके लिए? मेम्ब्रेन में बाउंड ट्यूब और सीध की सीमित से। इट इज कम्पोज ऑफ थ्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। थ्री स्ट्रक्चर होते हैं सिस्ट्रेन। दीज आर लॉन्ग फ्लैटेंड सैक लाइक एब्रांच्ड ट्यूबुल्स। तो सिस्टेंस जो है सिस्टेन है जो ये लॉन्ग होते हैं और ये फ्लैटेंड होते हैं, लंबे होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है वेसिकल्स। दीज आर ओवल स्ट्रक्चर। ये ओवल स्ट्रक्चर में होते हैं, ओवल स्ट्रक्चर वेसिकल्स। नेक्स्ट है ट्यूबल्स। दीज आर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ये ब्रांच स्ट्रक्चर में होते हैं। देखिए हर एक इसमें ब्रांच से जुड़ा हुआ है, हर एक शाखा निकली हुई है ब्रांच, इसको कहते हैं ट्यूबल्स। ये थ्री स्ट्रक्चर हैं किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ओके, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप होते हैं, वो मैं नेक्स्ट डे को डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।